बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करें, हम सब की मुश्किलों को दूर करके कामयाबियाँ अता फरमाए। हम सबको पाँच टाइम का नमाज बनाए हज उम्र की ज़ार से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारा, खूबसूरत, क्यूट सा आइडिया लेकर आई क्रोचेट के। बेबी के अपर हैं ये, के जैकेट, वेस्ट कोट भी कह सकते हैं इनको, जैकेट भी कह सकते हैं। इसके नीचे शर्ट पहनी जाती है कॉलर वाली शर्ट है, जिनकी पैंट के साथ बहुत खूबसूरत लगती हैं। शलवार कमीज के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, बेहद ही हसीन है। इनको हम जैकेट भी कह सकते हैं, इनको अपर भी कह सकते हैं, बगैर स्लिप के। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है, आज की ये डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है। इसके नीचे शर्ट भी पहन सकते हैं, हाई नेक भी जीन के साथ पहन सकते हैं। इसको हम फ्रॉक के साथ भी पहन सकते हैं, प्लाजो के साथ, लहंगे के साथ, शरारे के साथ, हर एक चीज़ के साथ पहन सकते हैं। ये जैकेट है खूबसूरत के। जब हम अपने बेबी को तैयार करते हैं, इसको पैंट शर्ट पहना कर ऊपर से ये वेस्ट कोट पहना दी जाती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारा बेबी कॉलर के साथ हर सीज नज़र आते हैं। अगर जिनको हाई नेक पसंद है तो हाई नेक इनके नीचे पहना सकते हैं। बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग है, स्टाइलिश, एक से बढ़कर एक है। खूबसूरती बहुत प्यारी है, कलर भी बहुत प्यारे हैं हमारी बेबी के हिसाब से। नहायत ही हसीन डिज़ाइनिंग है आज की ये जैकेटें, आपको बेस्ट लगेंगी। देखें कितना स्टाइलिश बना हुआ है, बटन देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, पॉकेट इनकी डिज़ाइनिंग। जब हम अपने बेबी को पहना कर किसी बर्थडे पार्टी पर जाते हैं, शादी पार्टी पे, तो हमारा बेबी बहुत खूबसूरत लगता है। नेक के साथ, पैंट के साथ बड़ी प्यारी डिज़ाइनिंग है, कमाल की, ज़बरदस्त। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। सदका जारिया समझ कर हम सबके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसलिए सदका जारिया की नीयत से कोई भी काम किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए, उसका बड़ा अजर है। छोटे छोटे काम कर बड़े बड़े सवाब हासिल किया करें, पहाड़ के बराबर अजर मिल जाएगा। पानी का एक गिलास पिला दिया किसी को, चाय का एक कप पिला दिया किसी को, एक अफराद को खाना खिला दिया, पेट भर कर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दी। अपनी अर्निंग में से हर माह 25% हिस्सा निकाल कर गरीब यतीम मस्किनों के लिए अलहदा रख दिया करो हर माह। अगले माह अल्लाह ताला आपको 70 गुना बढ़ाकर देगा अर्निंग से ज़्यादा। जब अल्लाह ताला बढ़ाकर देगा, इसी तरीके से आप भी अल्लाह की राह पे देते रहना, तकसीम करते ना, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाजता रहेगा रिजक बरसात की तरह। तकसीम कर भी ख़त्म नहीं होगा। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अपने बुजुर्गों ऐसे जैसे उन्होंने आपका बचपन में किया है, खूब भी नहीं करना, मुस्करा कर देखना। हज का सवाब हासिल करना, दो मरतबा देखना, दो मरतबा हज का सवाब हासिल करना। अल्लाह हाफिज़।